जो प्रदेशवासियों के बेहतर पोषण और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और यूनिवर्सल पीडीएस स्कीम और मुख्यमंत्री वार्ड योजना का शुभारंभ किया जाएगा। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सत्र के पहले बापू को श्रद्धांजलि दी जा रही है। पक्ष विपक्ष ने श्रद्धांजलि दी है। खड़ा हुआ हूँ जो मुझे गौरवान्वित किया और मैं उस गौरव का अनुभव किया। ये हमारे भारत देश के लिए गौरव की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग उनके जन्म दिवस को मनाते हैं और यूएनओ के लगभग 140 देशों ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। ये हम सबके लिए गौरव का अनुभव है। और उसी तरीके से जहां अनेक महापुरुषों ने, देश विदेश के महापुरुषों ने गांधी जी को अपना स्मरण चुना, गांधी जी को अपना शिक्षक माना, तो उनमें से जो नोबेल पुरस्कार शांति के जो दिए गए हैं देश में विदेश में, लगभग 5 सीधे सीधे ऐसे हैं जो सीधे सीधे गांधी जी को अपना आदर्श मानते रहे हैं। उनके नाम का उल्लेख करना मैं यहाँ उचित समझता हूँ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा जी, आंग सान सू की, नेशनल मंडेला जी और ओडेल्फो पेरेज एक्विवेल जो अर्जेंटीना से हैं, इन सीधा सभी लोगों ने अनेक अवसरों पर गांधी जी को औपचारिक रूप से अपना नेता माना, अपना मार्गदर्शक माना। मुझे ये कहने में संकोच नहीं हो रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को इस बात का विश्वास करना मुश्किल होगा कि गांधी जैसा कोई व्यक्ति इस धरती पर चला करता था। अर्थात बापूजी का जीवन जितना सरल था उतना ही कठिन था। किसी सरल जीवन को अपने जीवन में उठाना एक कठिन कार्य से कम नहीं होता। बाकी सब आप जानते हैं, सत्य अहिंसा और प्रेम। जिस तरह से सत्य के बारे में उन्होंने कहा कि जैसे भगवान सर्वव्यापक हैं वैसे ही सत्य सर्वव्यापक है। हम यह नहीं कह सकते कि सत्य अमुक स्थान पर है और अमुक स्थान पर नहीं है। बापू ने कहा कि सत्य व्यक्ति को निर्भय बनाता है और उन्होंने सत्य को भारत देश में जीवंत करके दिखाया। और एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने उनसे पूछा था कि आपका धर्म क्या है, आप कैसे धर्म तक पहुंचे और इस धर्म से आपके जीवन में क्या परिणाम प्राप्त हुए, तो गांधी जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं। गांधी जी ने कहा था कि मैं पहले कहा करता था कि मैं भगवान में विश्वास करता हूं, अब कहता हूं कि मैं सत्य में विश्वास करता हूं। पहले मैं कहा करता था कि ईश्वर सत्य है और आज मैं कहता हूं कि सत्य ही ईश्वर है। तो सत्य और अहिंसा और प्रेम का मार्ग लेकर उन्होंने जो अपनी यात्रा आरंभ की, हम सबके लिए आज मार्ग प्रशस्त कर रहा है। हम सब उसको नमन करते हैं। उनके सपनों के भारत के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बापू जी ने कहा था मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब
भी यह महसूस करे कि यह देश उसका है और उसके निर्माण में उसकी जोरदार आवाज है। ऐसे भारत में जिसमें ऊंच नीच वर्गों का भेद न होगा, जिसमें सभी जातियां मेल मिलाप के साथ रहेंगी, छुआछूत और नशेबाजी के लिए कोई स्थान नहीं होगा, स्त्रियों और पुरुषों के सम्मान अधिकार होंगे, हम शेष दुनिया के साथ शांति संबंध कायम करेंगे, न शोषण करेंगे, न शोषण होने देंगे, ऐसे तमाम हितों का जो लाखों भोले वाले लोगों ने हितों के विरुद्ध नहीं है, ऐसा कोई भी काम हम नहीं करेंगे। उदारता के साथ आदर किया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर मैं स्वदेशी और विदेशी के भेद से घृणा करता हूं। यह मेरे सपनों का भारत होगा। आज उनके उस आदर्श पर, उस विचार पर चलते हुए हम सब लोग यहां पहुंचे हैं। और जिस ढंग से अहिंसा के बारे में उन्होंने कहा कि अहिंसा घर, परिवार, समाज और राष्ट्र सबके लिए आवश्यक है, और वो शारीरिक हिंसा को ही अहिंसा का उल्लंघन नहीं मानते थे, बल्कि मानसिक हिंसा भी उनके नजरों में हिंसा थी। आज मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने स्वयं अपने आप को न बड़ा बनाने की कोशिश की, न यह कहा कि मैं अहिंसा का पहला सत्याग्रही हूं। उन्होंने स्वयं अपने पुस्तकों के माध्यम से हमें बताया है कि वो सत्याग्रह और अहिंसा के आग्रही पहले नहीं थे, बल्कि भक्त प्रहलाद और सुकरात का नाम लिया था कि वो अहिंसा के पहले आग्रही थे, जिसका मैंने यहाँ आप सबके सामने जो कर रहा हूं, जो मैं करना चाहता हूं, वो मेरा पहला कदम नहीं है। उन्हें भगवान बुद्ध को, भगवान महावीर को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की और उसे जिया। वो जीने वाले, सत्य पर जीने वाले पहले व्यक्ति थे। आज हम लोग एक छोटी सी रोचक बात रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हम लोग सब अपना घर बनाना चाहते हैं। बापूजी के लिए भी जब उनका घर या कुटिया बनाने का सोचा गया तो उन्हें अपने घर बनाने के लिए जो शर्त रखी है, शायद कुछ नए साथियों को मालूम नहीं होगा, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि उन्हें जमुनालाल बजाज जी को शर्त रखी कि पूरा मकान श्रमदान से बनेगा, जिसमें वो स्वयं अपनी भागीदारी निभाएंगे। मकान मिट्टी का होगा, छत खपरे का होगा और किसी प्रकार के सीमेंट आदि का प्रयोग नहीं होगा। तीसरे उसने शर्त रखी कि हर सूखे लकड़ी और बांस का ही उपयोग किया जाएगा। उनने शर्त रखी कि खिड़की दरवाजे ग्रामीण बढ़ाई और लोहार से के माध्यम से बनाए जाएंगे और पूरे मकान का जो लागत है वो मात्र 300 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अंतिम शर्त था, उनका शर्त था कि घर में बिजली नहीं होना चाहिए। अब ऐसे व्यक्ति के बारे में हम क्या कह सकते हैं, आप स्वयं इस सत्र में अपना विचार व्यक्त करेंगे, मगर मैं बता दूं कि उनके पूरे मकान की लागत जो उस समय आई, बजाज जी ने जो उनको बाद में हिसाब दिया, वो 297 रुपए और 6 आने का था। 297 रुपए 6 आने। इस तरह से बापू गांधी 300 के घर में हम सबको एक नया रास्ता, हम सबके लिए एक नया आदर्श बना के गए हैं। आप सब अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, मैं जानता हूं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। बाद में हम लोग बात करेंगे। पुनः मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, आदरणीय सभी मंत्रीगण, सांसदगण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं
और चाहूंगा कि दिल खोल कर आप अपनी बात रखें। आज के अध्यक्ष तालिका में माननीय सत्यनारायण जी शर्मा, माननीय श्री धीरेन्द्र साहू जी, श्री देवेंद्र बहादुर सिंह जी, श्री मनोज मंडावी जी और शिवरतन शर्मा जी होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी बात आ जाए। एक मिनट भैया, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरा राष्ट्र, दूसरे शब्दों का पूरी दुनिया आज गांधी जी को नमन कर रहा है, याद कर रहा है। गांधी जी के 185 वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में अकेला छत्तीसगढ़ विधानसभा है जो दो दिन का विशेष सत्र आयोजित किया है। इसके लिए माननीय अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना, और इसके लिए मैं नेता प्रत्यक्ष को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस विशेष सत्र के लिए अपनी सहमति व्यक्त की। गांधी जी के साथ साथ आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उसे भी पूरा राष्ट्र नमन कर रहा है, स्मरण कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गांधी जी एक व्यक्ति नहीं, एक जीवन शैली, एक विचार, एक संकल्प जो 185वीं जयंती है इसमें दुनिया गांधीवाद के नाम से जानती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम गांधी को याद करते हैं तो उस परंपरा को भी याद करते हैं जिस परंपरा पे चल के गांधी जी इस लड़ाई की शुरुआत की। गांधी जी संत थे, गांधी जी महात्मा थे, गांधी जी विचारक थे, गांधी जी अहिंसक लड़ाई के पुरोधा थे, गांधी जी अच्छे लेखक थे, अच्छे संगठक थे, अच्छे मार्गदर्शक थे। गांधी के विचार, आचार, उसका पहनावा, उसका खान पान, उनका रहन सहन, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उनके विरोधी थे वो भी इन गुणों को कहीं न कहीं अपने में आत्मसात किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम गांधी जी की याद कर रहे हैं तो पुरानी परंपरा को भी हमको याद करना चाहिए जिसके वजह से गांधी बना। गीता ने ठीक कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तो कोई न कोई महापुरुष, कोई न कोई संत, कोई न कोई समाज सुधारक इस धरा पर अवतरित होते हैं, जिसे हम लोग अवतार या भगवान या ईश्वर का अंश कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक व्यक्ति में जो ब्रह्म है वही ब्रह्म उस महापुरुष में भी वही ब्रह्म होता है, उससे अलग नहीं। स्वर्ग में पीर पैगंबर महात्मा के लिए कोई अलग सी चाक नहीं बना है जिसमें उसका निर्माण हो, वो इसी धारा में यहां के परिस्थितियों के अनुरूप उसका निर्माण होता है। अध्यक्ष महोदय, जितने भी महापुरुष जन्म लिए उनके जो विचार आप देखेंगे तो सब एक प्रकार के संदेश नहीं दिए हैं, कुछ उनको कुछ अंतर दिखाई देता है। जब पूरे देश में हिंसा फैली हुई थी, यागिक हिंसा हो रही थी, उस समय महात्मा बुद्ध इस जमीन पे आए। उन्होंने
हिंसा का त्याग का संदेश दिया। उन्होंने संयम का संदेश दिया, संन्यास का संदेश दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद भगवान शंकर आते हैं। उन्होंने शून्यवाद का उपदेश दिया, निराकार ब्रह्म का उन्होंने संदेश दिया अध्यक्ष महोदय। और ये जब लोगों ने देखा कि वो भाव नहीं हो पा रहा है, लोग उससे जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर रामानुज जैसे संत आते हैं जो साकार ब्रह्म का आंदोलन शुरू करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब इस्लाम का यहां आक्रमण होता है, उस समय फिर कबीर और गुरु नानक देव का अवतरण होता है, जो निराकार ब्रह्म की तरफ फिर से लौट आते हैं, ताकि हिंदुओं में और इस्लाम में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। लेकिन एक धारा तब भी चल रही थी जिसका नेतृत्व तुलसी, सूर, मीरा, साकार ब्रह्म को लेकर चल रहे थे। लेकिन 19वीं सदी का जो आंदोलन है अध्यक्ष महोदय, उसके पहले तक के जितने भी आंदोलन हुए, उसका केंद्र में धर्म था। तब सामाजिक और राजनीतिक वो आंदोलन नहीं थे, वो केवल धर्म के आंदोलन थे। लेकिन 19वीं सदी आते आते उसे सामाजिक और राजनीतिक कसौटी में कसा जाने लगा अध्यक्ष महोदय। उस समय तक के अंग्रेज आ चुके थे, ईसाइयत का प्रभाव था, और उस समय अंग्रेज हिंदू धर्म को, इस्लाम धर्म को हीन भावना से देखना शुरू किए, उसकी आलोचना शुरू हुई, और न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में होने लगी। तब ब्रह्म समाज की स्थापना राममोहन राय ने की। राममोहन राय धर्म सुधारक नहीं थे, बल्कि समाज सुधारक थे। जो हमारे अंदर जो कमजोरी थी, हमारे अंदर जो बुराइयां थी, उसका उन्होंने डट के मुकाबला किया, और जो हमारे अंदर जो अच्छाइयां थी, जो वेद में, उपनिषद में जो बातें थी, उसको दुनिया के सामने रखा, और विश्व मानवता के, विश्ववाद की बात उन्होंने की। और उसी समय अध्यक्ष महोदय, गोविंद महादेव रानाडे महाराष्ट्र में उसी प्रकार के आंदोलन उन्होंने चलाया, और उत्तर में पंजाब में दयानंद सरस्वती ने इस प्रकार से आंदोलन चलाया, जो भारतीय राष्ट्रीयता की बात, हिंदू राष्ट्रीयता की बात उन्होंने कही। अध्यक्ष महोदय, उसके तत्काल बाद आप देखें, जब ये लड़ाई चल रही थी कि कौन सा धर्म ऊंचा है, कौन सा धर्म नीचा है, हिंदू अच्छा है कि मुसलमान अच्छा है कि क्रिश्चियन अच्छा है, तब रामकृष्ण परमहंस आते हैं और सभी धर्म, हिंदुओं के सभी जितने मार्ग हैं उसकी उपासना उन्होंने की, और न केवल हिंदू मार्गों का, बल्कि उन्होंने इस्लाम पद्धति से भी और क्रिश्चियन पद्धति से भी उपासना करके ये बताया कि सभी मार्ग एक ईश्वर तक पहुंचता है। कोई विवाद उन्होंने नहीं किया, किसी का खंडन नहीं किया, किसी का विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने सिद्ध किया। विनोबा जी ने कहा 19वीं सदी में यदि विश्व को भारत की जो देन है, पहला दिन रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने अपने जीवन में सिद्ध करके बताया कि सारे धर्म रास्ता एक है और एक ही ईश्वर तक पहुंचता है। दूसरा, जो संत हुए महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग बताया और उस मार्ग पर चलकर देश को आजाद कराया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रामकृष्ण परमहंस ने जो बातें कही, वही बात
कार्य रूप में स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे देश और हिंदुस्तान के बाहर जाकर दुनिया में जाकर हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने अपने पक्ष रखा। लेकिन यदि धार्मिक आंदोलन की बात कर रहे हैं, धर्म सुधार की बात, चाहे दयानंद सरस्वती की बात हो, चाहे राम मोहन राय की बात हो, चाहे महादेव गोविंद राणाडे की बात हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस, चाहे स्वामी विवेकानंद की बात कहें, ये धार्मिक राष्ट्रीयता की बात हुई। लेकिन राजनीतिक राष्ट्रीयता की बात यदि किसी ने कही और उसका प्रतिनिधित्व किसी ने किया तो महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी में कोई उस प्रकार से गुण नहीं थे जिस प्रकार से राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती में थे, न उस प्रकार की उनकी विद्वता थी, न उस प्रकार विवेकानंद जैसे उनका चुंबकीय व्यक्तित्व था। लेकिन जो हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने जिस सत्य का अन्वेषण करके बताया, उसे अपने जीवन में अंगीकार के साकार करने का काम किसी ने किया तो महात्मा गांधी। गांधी का अहिंसा कमजोर लोगों की नहीं है, ताकतवर लोगों की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पशु बल के सामने महात्मा गांधी ने आत्मबल को प्रमुखता दी। पशु बल के सामने, अंग्रेजों के सामने उन्होंने आत्मबल को खड़ा किया और उनके तोप और बंदूकों के सामने उन्होंने अहिंसा को सामने खड़ा किया। आखिर अहिंसा ही क्यों, सवाल इस बात का है कि गांधी ने अहिंसा के मार्ग क्यों अपनाया। अहिंसा इसलिए, लोग उस समय मानते थे ये जो हिंसा, क्योंकि हम अंग्रेजों से लड़ नहीं सकते, हमारे पास तोप नहीं है, तलवार नहीं है, बंदूक नहीं है, और इसलिए अहिंसा का मार्ग अपनाया। लोगों ने उनकी हंसी भी उड़ाई, दुनिया उनसे हंसती थी। आज तक कोई हिंसक क्रांति के अलावा कोई क्रांति दूसरी हुई है? आज तक के अहिंसक क्रांति कहीं नहीं हुई है जो गांधी जी ने शुरू की। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अहिंसा की बात बुद्ध ने की, अहिंसा की बात महावीर ने की, अहिंसा की बात आप उपनिषद और वेदों में पाएंगे। गांधी जी ने पहली बार नहीं कही, बुद्ध ने जो अहिंसा की बात कही वो अपने लिए लागू की, अपने अनुयायियों के लिए लागू की, व्यक्ति के लिए लागू किया। लेकिन अहिंसा की बात यदि समष्टि में के लिए किसी ने किया, किसी ने प्रयोग किया तो केवल गांधी ने किया। ये उनका अहिंसा था। अहिंसा की ताकत केवल गांधी की दृष्टि दे चुकी थी। उसने कहा हिंसा तो पशु करते हैं, उसमें भी क्रोध है, उसमें भी द्वेष, उसमें घृणा है। अब जब उनको लड़ना होता है तो सीधा हिंसा के मार्ग, पशु हिंसक होते हैं। लेकिन मनुष्य के पास मस्तिष्क है, उस आवेग को, घृणा के, द्वेष के, क्रोध के आवेग को रोकने का काम मनुष्य कर सकता है। और इसलिए गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। जब पहले वो कहते थे अहिंसा के कोई बात कहते थे उसको विरोध करते थे, उन्हें गुस्सा आता था, सामने वाले हीन भावना से देखते थे। लेकिन महावीर के जो अनेकांतवाद है कि दूसरे पक्ष से भी उस चीज को देखो, पांच अंधे को यदि हाथी के पास भेज दे तो अलग अलग बताएंगे। हाथी के यदि किसी ने पैर पकड़ ले तो बोले खंभा है, कोई कान पकड़ ले तो बोले सुपा है। सत्य तो वो भी है। इसलिए गांधी जी ने कहा अनेकांतवाद, जो दूसरा पक्ष जो बोल रहा है उसके पक्ष में खड़ा होकर उस दृष्टि से देखना। और तब गांधी जी अपने विरोधियों के, अपने आलोचकों के भी प्रति सहानुभूति रखते थे। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन आपको याद होगा, आप अभी वहां से दौरा करके आए हैं,
जलन इस्मत, जिन्होंने सजा दिलाई, बार बार उसके मार्ग अवरुद्ध किए, उसके मरवाने की कोशिश हुई, लेकिन उसके प्रति उन्होंने क्या व्यवहार किया? जब जेल में थे तो गांधी जी हर काम अपने हाथ से करते थे, चाहे कपड़ा धोने की बात हो, चाहे सूत काटने की बात हो, और तो और चप्पल बनाने का काम जेल में करते थे। और जब वहां जेल से बाहर आए, इस मस्त को उन्होंने लिखा, मैंने एक चप्पल बनाई है, आपकी अनुमति हो तो मैं उसको भेंट करना चाहता हूं। ये जो कृत्य है, ये जो कार्य है, वो ये बताता है कि जो उसको सजा दिलाया उसके प्रति भी सहानुभूति का भाव। ये विचार कोई गांधी का नहीं, ये तो महावीर के समय से चला आ रहा है, लेकिन अहिंसा के बाद वेदों उपनिषद बुद्ध और महावीर से चला आ रहा है। ये बात कदाचित कालस्ताय ने भी कही, दुनिया के और विद्वानों ने बात कही, लेकिन उसे अंगीकार करके साकार रूप जीवन में उतारने का काम गांधी ने किया। इसलिए बुद्ध के अपेक्षा गांधी को अहिंसा का सबसे बड़ा दूत पूरी दुनिया में माना जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मार्ग गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग उन्होंने अपनाया। हर वो काम जो आम लोग करते थे वो काम उन्होंने शुरू करेंगे। पुरस्कार स्वरूप विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र जंतर और गांधी साहित्य प्रदान किया जा रहा है। मैं विद्यार्थियों के नाम गा रही हूँ। कुमारी मुस्कान टॉक, सर्वप्रथम जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से। निबंध में कुमारी मुस्कान टॉक। श्री दुष्यंत सिंह भदौरिया चित्रकला में। कुमारी मोनिका गोंडिया पोस्टर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से निबंध में कुमारी कृति जैन। श्री महेंद्र सिंह संयाम। कुमारी अनीशा परवीन। कुमारी अनीशा परवीन। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से निबंध में कुमारी दिव्या व्यास। श्री विकास जाटव। श्री विकास जाटव। कुमारी रिंकल शुगानी। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से कुमारी चंचल कुंवर। श्री रीतेश वाघेला। श्री महेंद्र परिहार। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से श्री धीरज शर्मा। कुमारी नंदिनी चंदेल। श्री देवेन चौहान। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से निबंध में कुमारी साक्षी विश्वकर्मा। कुमारी ज्ञानिता जॉन कुशवाहा। कुमारी दीक्षा पांडे। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर से श्री समर्थ जैन। कुमारी शची पवार। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय। धन्यवाद। साध्य और साधन की पवित्रता से व्यक्ति और जगत को पूर्णता की ओर प्रेरित करने वाले भविष्य दृष्टा गांधी जी की जयंती का आयोजन उनके स्मरण का छोटा सा प्रयास है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति का माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्री जीतू पटवारी जी स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन करेंगे।
सत्य और अहिंसा पूर्ण निर्दोष हैं। आत्मनिरीक्षण और आत्मानुशासन के प्रेमी महात्मा गांधी ने सत्य का शोधार्थी बनकर अपने जीवन को अनुकरणीय बना दिया। आइए सुनते हैं इस अवसर पर माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्री जीतू पटवारी जी का उद्बोधन। परम सम्मानित यहाँ उपस्थित सभी 150वीं महात्मा गांधी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सभी सम्मानित बुद्धिजीवी वर्ग, आदरणीय बच्चे, आदरणीय प्रोफेसर, सभी पत्रकार बंधु, आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में पूरे विश्व में आज का दिन मनाया जाता है। जय जवान और जय किसान के प्रेता आदरणीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी की भी आज इस अवसर पर हम सब याद करते हैं। मैं समस्त विश्व को, पूरे मध्य प्रदेश को, देश को आज के अवसर की शुभकामनाएं देता हूं और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी का आज के आयोजन का मुख्य अतिथि होना हमारे लिए इसलिए गौरव है कि वो जिस धरती से आते हैं, छिंदवाड़ा महाकौशल, वहां महात्मा गांधी के कई चिन्ह, कई आजादी की लड़ाई के शुरुआती दौर के उनके आयोजन, और महात्मा जी ने जब जब मध्य प्रदेश की धरती पर अपने कदम रखे तब तब महाकौशल की धरती उनके आसपास उनके चरण पड़े। इस मायने में मैं मानता हूं कि आदरणीय कमलनाथ जी का आज का आयोजन का मुख्य अतिथि बनना हमारे लिए गौरव का विषय, और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। प्यारे बच्चों, आज का प्रसंग मैं मानता हूं इस बात को कि आप लोगों की उपस्थिति महात्मा गांधी के मूल सिद्धांत को, जिसमें अहिंसा है, सत्य है, सहिष्णुता है, सर्वधर्म है, जिसमें वो भाव, जिसमें देश जो हिंदुत्व का मूल भाव है विश्व कुटुंब का, और वो भाव है महात्मा गांधी का जिसमें मानवता की रक्षा और मानवता की सेवा के मूल उद्देश्य का, मैं मानता हूं कि आज की आवश्यकताएं इस प्रकार से देश के अंदर और देश के बाहर और पूरे सृष्टि में उनके इस विचार को आत्मसात करते हुए पूरा विश्व चलना चाहता है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। इस बात को कि महात्मा के विचारों के मार्ग पर चलते हुए कई परिवार के लोग पीछे से किसी न किसी रूप में उनके विचारों का विरोध करते हैं, देश में और देश के बाहर महात्मा गांधी के विचारों को चुनौती देते हैं, उनकी कहीं न कहीं भूरी भूरी एक तरह से मजाक उड़ाते हैं, पर जब पब्लिक के सामने आते हैं, जनता के सामने आते हैं, समाज के सामने आते हैं, तो गांधी 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 और गांधी और उनके विचार को आत्मसात करते हैं। मैं मानता हूं कि ये उनके सिद्धांत की शुद्धता थी महात्मा जी के, कि जिसमें उनके विचार को चुनौती देने वाले लोग भी जब जनता के बीच में आते हैं तो हाथ जोड़कर खड़े होकर गांधी गांधी और गांधी की बात करते हैं। मैं आप सबको इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि सत्य की, अहिंसा की, स्वावलंबन की, सांप्रदायिक सौहार्द की, सद्भावना की, स्वराज की जो परिकल्पना आदरणीय महात्मा गांधी ने की, उसको हम सब आत्मसात करें। मैं मानता हूं कि जब जब महात्मा गांधी के विचार को आप अपने अंदर देखेंगे, तब तब मैं हूं गांधी, मैं भी गांधी इस बात का एहसास करेंगे, तब तब अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आप खड़े हो जाएंगे। आप जहां देखोगे कि झूठ बोलता हुआ व्यक्ति, रिश्वत लेता हुआ व्यक्ति, आप देखोगे कि कहां पर नफरत है, अहिंसा, हिंसा है, कहां पर इस देश में भाईचारे को मिटाने की एक कुसोच है, वहां वहां आपके अंदर का गांधी जागेगा और आप लड़ने लगोगे। मैं मानता हूं इस बात को कि जब मैं भी गांधी की बात हम करने लगते हैं तो एक आंदोलन का विचार अपने आप अपने अंदर जागता हुआ आपको और हमको मिलता है। मैं इस बात को मानता हूं कि आज की आवश्यकता है कि जो गांधी जी ने इतिहास में विचार दिए, उनके भविष्य में आने वाले 200-300 और 1000 साल तक कैसे इस देश और भारतवर्ष की अस्मिता को बचाने के लिए हम आत्मसात करके उनको मूर्त रूप देते रहे, कहीं कहीं अपने अंदर के गांधी का उपयोग करते रहे, विचार का उपयोग करते रहे, मैं मानता हूं इस बात को कि उसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा है। मैं इस बात पर कि छुआछूत की और हिंसा से लगे हुए समाज में अनेक तरह की कुरीतियों की जिस तरीके से मुखर होकर विरोध करने की आवश्यकता है, वो आज के महात्मा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अनुरोध करना चाहता हूं कि मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश किया था, उन्होंने कहा कि जीतू, आज के युवा को कैसे हम गांधी के विचार से ओतप्रोत करें, उसमें कैसे वो शिक्षा दें, कैसे जीवन भर रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हुए
उस विचार को, महात्मा के विचार को आज का युवा जिए। उन्होंने कहा कि एक कैंपेनिंग चलाओ, जिस कैंपेनिंग का मूल भावना हो कि जहां पर गांधी के बताए हुए रास्ते का विरोध होते दिखे, तो मैं भी गांधी का एक विचार, एक कैंपेनिंग से वो युवा जुड़े और वहीं पे उस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हुए समाज की बुराइयों को दूर करने में अपना योगदान दे। इसे ऑनलाइन प्रोसेस में कैसे पूरा करो, और गांधी जी के वो दुष्प्रचार उनके खिलाफ जो होते हैं ऑनलाइन होते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में होते हैं, उनका विरोध करें। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, ये छोटा सा एक चित्र है, एक मिनट की फिल्म है, और मैं भी गांधी से जुड़ने का एक कैंपेनिंग है जो मुख्यमंत्री के निर्देश और आदेश हुए थे। पूरे मध्य प्रदेश में पूरे वर्ष में 20 लाख युवाओं को जोड़ने के लक्ष्य के साथ हम ये कल्पना करते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि वो फिल्म का चलचित्र चालू किया जाए। ये क्या बोल रहे यार? अरे मम्मी, जब अंदर, जब अंदर हमारा मन साफ और आसपास सफाई रहती है ना, तो ऊपर वाले से कनेक्शन बेटर बन जाता है, ये ना? हाँ। गांधी स्टेटस के नारों तक लिमिटेड नहीं, ना ही कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट मैटर। गांधी तो एक लाइफस्टाइल है, जीने का एक खूबसूरत तरीका। प्रकृति से सामंजस्य और समाज से समस्ता के साथ हम में से हर एक सोसाइटी और प्रकृति को कुछ ना कुछ लौटा सकते हैं, और इसके लिए गांधी जी ने इसके अनेक मार्ग प्रशस्त किए, और इनमें से कोई ना कोई रास्ता हम में से हर एक को मैच करता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कुछ गांधी तो हम में से हर एक के भीतर सदा जीवित है। मैं आज का गांधी हूँ। तो गांधी जी का अपना वाला मार्ग चुनें और चलिए साथ मिलकर बनाएं एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर भारत, एक बेहतर जहां, जब हर हृदय से ये आवाज आए, मैं भी गांधी। मैं सभी मध्य प्रदेश के युवाओं से याचना करता हूँ कि आप सबके अंदर एक अपना गांधी है, उसके विचार है, उसको जीवित करें। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग एक अवसर प्रदान करेगा आप सबको कि आप अपने वाले गांधी को किस तरीके से मध्य प्रदेश के भविष्य बनाने में सहयोग करेंगे, उसके लिए आपको एक सिर्फ लेनी है शपथ, मैं भी गांधी। आप देखोगे कि इस तरह का ऑनलाइन एक फॉर्म रहेगा, और उस फॉर्म को आपको भरना है, और गांधी के उस सिद्धांत को जिसको आप रोजमर्रा की जिंदगी में विरोध करते हुए देखते हैं कि उसका उपयोग करना है, तब जाकर आप इस ऑनलाइन से जुड़ोगे, और मध्य प्रदेश शासन आपको एक सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी देगा और फिजिकली भी देगा, आपके पते पे पहुंचाएगा। ये मैं भी गांधी के कैंपेन से जुड़ने का, गांधी के विचार को आत्मसात करने का, और हर युवा में, आज के युवा में, हमारे बच्चों में, हमारे बेटों में, हमारे भाइयों में, हमारी बहनों में इसको मूर्त रूप देने की कोशिश करेगा। इसको व्हाट्सएप पे भी हमने प्रोसेसिंग की है, मैं मानता हूं कि इससे एक सकारात्मक पहल चालू होगी। मैं आप लोगों को इस वक्त ये भी बताना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, जो गांधी जी का मूल उद्देश्य था कि आज की शिक्षा कैसी हो, उन्होंने समय समय पे बताया कि शिक्षा रोजगार मुखी कैसे हो, स्किल वाली हुनरमंद शिक्षा कैसे हो। आप मानते हो इस बात को? हम मानते हैं, प्रदेश मानता है, देश मानता है। जब स्किल की बात अभी आधुनिक दौर में नहीं हो रही थी, तब छिंदवाड़ा में स्किल की बात कमलनाथ जी ने चालू की थी। महात्मा गांधी का ही विचार था जो आज के परिदृश्य में कैसे आया। उन्होंने हमें निर्देशित किया, उच्च शिक्षा विभाग एक स्किल की यूनिवर्सिटी इंदौर में खोलने जा रहा है। ये अपने आप में महात्मा के उस विचार को, जिसमें हाथ, हर हाथ को काम मिले और काम का पूरा दाम मिले, उस मूर्त रूप देने की कोशिश है। मैं मानता हूं कि महात्मा जी के सत्य के शोध को आत्मसात करने की आज आवश्यकता है। मैं इस बात को भी आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि स्त्री और पुरुष के भेद को समाप्त करने की आवश्यकता है। मैं इस बात को भी आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमने जात पात और ये धार्मिक उन्माद से ऊपर उठकर कैसे देश अपना अपना बने, ये कैसे देश विश्व गुरु बने, इसको लेकर महात्मा के सिद्धांत को पर्यावरण से जोड़कर, पर्यावरण को आत्मसात करके, स्वच्छता हो, जलवायु हो, या नए पेड़ पौधे लगाकर एक नया वातावरण बनाने की बात हो, इसको हम सब आत्मसात करें। महात्मा ने पर्यावरण को लेकर बहुत ताकत से, शुद्धता के साथ एक बड़ा विचार दिया है,
आने वाली भावी पीढ़ी आपसे ये कभी नहीं पूछेगी कि आपने कितनी संपत्ति दी, ये जरूर पूछेगी कि आपने वातावरण 50 साल बाद युवा पूछेंगे कि हमने कैसा दिया, पर्यावरण कैसा दिया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि उस शिक्षा विभाग आपके बताए हुए रास्तों को आत्मसात करके कोशिश करेगा कि गांधी के विचार से हर युवा को जोड़े। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री उच्च शिक्षा इस प्रेरक उद्बोधन के लिए। बौद्धिक आदर्शों को व्यवहारिक जीवन में कार्य रूप देकर गांधी जी ने करोड़ों जन से सीधा संबंध स्थापित कर लिया था। अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी से कि वे इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। मंत्रिमंडल में मेरे साथी जीतू पटवारी जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हरिरंजन राव जी, श्रीमती गोयल जी, सभी यहाँ अतिथिगण, और सबसे ज्यादा जो खुशी हुई मुझे यहाँ देखकर, प्यारे बच्चों, आज